class. Today we are going to discuss topic calendar, part 3, calendar. Sum number 12. Yesterday हम discuss 12 sum number पे discuss कर रहे थे. बेटा एक बार calendar check कर लीजिए. Sum number 12. Sum number 12 पे 2017 का calendar हमें check करना है. बेटा ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ कल का सम है. ये एक 2 या 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, बाकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. 2017 का कैलेंडर चेक करना है और डेट पार्ट नंबर ए, पार्ट ए डिफाइंड राइट है 6, 8 और 2017 6, 8 years 2017. 6 means date है, 8 means month है, year. जिस बच्चे को नहीं आई, नहीं समझ आ रहा बेटा, मैं इस शॉर्ट बिल्कुल डीपली आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 6 ये डेट होती है, ये मंथ होता है और ये ईयर होता है. अब आप कहीं मिस्टेक नहीं कर सकते. ये डेट है, ये मंथ है, वो ईयर. ओके. और कैलेंडर, कैलेंडर आपको 2017 का चेक करना है और गिवन है आपकी बुक में पेज नंबर 272. बेटा मैं चेक कर सकते हो ये बुक के अंदर कैलेंडर फॉर 2017. यस, आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर फॉर 2017. ये मंथ गिवन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 12 मंथ्स हैं, पूरे 17 का कैलेंडर आपके सामने है और आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि 8 मंथ कौन सा होता है. पहले मेरा ध्यान गया मंथ पे, पहले सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा ईयर पे. मैंने 2017 का कैलेंडर ओपन कर लिया, ईयर के बाद में मैं मंथ पे गया, मैंने 8 मंथ देखा. 8 मंथ का नाम क्या होता है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैलेंडर के अंदर. बेटा किसी से पूछना नहीं है, डोंट आस्क एनीवन. आप देख सकते हो, लुक, कैलेंडर इज गिवन. 2017 का कैलेंडर आपके सामने है और इसमें 8 मंथ गिनने. 8 कैसे गिनने हैं देखिए. 1st January, 2nd February, 3rd March, 4th April, 5th May, 6th June, 7th July, 8th August. 8 पे रुक जाइए क्योंकि 8 यहाँ पे लिखा है, तो इनका मतलब वही अगस्त. 2017 में अगस्त का मंथ है, ये डेट है 6. अब ये डेट पे आपको 6 डेट को डे बताना कौन सा डे है वो भी चेक करिए. अगस्त में 6 डेट पे जाइए 6, और ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, संडे. 6 डेट पे संडे आपको बता देना, 6 डेट पे डे है संडे. समझिए, फिर से समझिए. जिस बच्चे ने ये टॉपिक, ये पार्ट समझ लिया, बिल्कुल क्लियर है उसके पास. ओके, जैसे 6/8/2017 का कैलेंडर गिवन पेज नंबर 272. चेक योर बुक. 2017 का कैलेंडर आपकी बुक में गिवन है. 2017 का कैलेंडर ओपन करो, फिर आपको मंथ चेक करो. 8 मंथ काउंटिंग कर लीजिए जनवरी से लेके. 8 मंथ कहाँ आएगा, तो 8 मंथ आएगा अगस्त में. अगस्त के मंथ पे जाइए, पहले कैलेंडर ओपन किया, फिर आप मंथ पे गए. मंथ पे जाने के बाद में 6 डेट चेक करिए. अब आप बता सकते हो 6 डेट को डे कौन सा है. डे है संडे. अब आप कह सकते हो 2017 में अगस्त के मंथ में 6 डेट को, या 6 अगस्त को संडे था. क्लियर. चलिए एक और पार्ट करा देता हूं आपका. एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट है
सी सी और फिर है सी सी मीन्स 7/4/12/2017 एक मंथ एंड ईयर। देखिए आपके सामने है पार्ट नंबर सी, सी 7/12/2017 2017 मीन्स ईयर। फिर से चलिए कैलेंडर चेक करिए 2017 का, कैलेंडर ओपन करो। 12 मंथ किसको कहते हैं, 12 मंथ क्या होता है, दिसंबर, क्योंकि दिसंबर के आफ्टर दिसंबर कम टू जनवरी, जनवरी मंथ वन फर्स्ट मंथ, तो 12 मंथ ही होते हैं फर्स्ट लेके 12 तक, तो 12 लास्ट का जो मंथ होता है दिसंबर होता है। चलिए कैलेंडर निकालिए, कैलेंडर इज ओपन, 12 मंथ दिसंबर, और दिसंबर में डेट है आपकी 7, चेक करिए 7 कहाँ है, 7 मींस 1, 2, 3, 4, 5 वाले कॉलम पे 7 है, ऊपर लिखा है थर्सडे, ये दिसंबर है और ये 7 डेट को लिखा है थर्सडे। ओके, अब किसी को डाउट हो, आई थिंक डाउट हो ही नहीं सकता इसमें, ये बहुत शॉर्ट पैटर्न है, ये आपको समझ आना चाहिए। ये लीजिए 7 दिसंबर 2017 को थर्सडे था, 7 दिसंबर 2017 को थर्सडे था, ये आप कैलेंडर की हेल्प से डे भी आप बता सकते हो। के सम नंबर 12 ए सी, एक और पार्ट आपका लास्ट पार्ट कर देते हैं, एफ पार्ट एफ, एफ इज 6/5/2017 चलिए ईयर मंथ एंड डे, 5 मंथ चेक करिए, 5 मंथ कौन सा होता है, कैलेंडर ओपन करिए, 5 मंथ चेक करिए, 5 मंथ कैलेंडर 2017 का कैलेंडर ओपन करिए, यस, और 5 मंथ देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5 मींस मई, मई डेट 6 डेट, डे 6 डेट, फ्राइडे सैटरडे, मई की 6 मई 2017 डे सैटरडे, 5 मंथ होता है मई का और 6 डे को है सैटरडे। लीजिए जी रिपीट अगेन, 6/5/2017 ईयर 5 मंथ 6 डेट, 2017 का कैलेंडर ओपन करिए, 5 मंथ्स को आप चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5 5 मंथ को मई होता है, और मई में कैलेंडर 2017 का मई में आप 6 डेट चेक करिए सैटरडे, मतलब मीनिंग ये हुआ 6 मई को सैटरडे था, इट वॉज सैटरडे ऑन 6 मई 2017 राइट। अभी कैलेंडर का ये वाला सम कंप्लीट हो चुका है, इसके पार्ट है लगभग 6 पार्ट है, कल भी क्वेश्चन रिपीट किया था हम लोग, 2, 4, 6 पार्ट थे और ये सारे कंप्लीट हो गए। सम नंबर 13 चल रहा है, सम नंबर नेक्स्ट सम 13 सम
answer is given. The annual examination in a school started on April 3 and end on April 28. How long did the examination continue? Good. Thank you. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके एग्जामिनेशन टीसीएस स्कूल में एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए. सपोज दैट आपका स्कूल टीसीएस द सेंचुरी स्कूल में एग्जाम स्टार्ट होता है 3 अप्रैल. एग्जाम स्टार्ट 3 अप्रैल और एंड कब होता है? एंड डेट 28 अप्रैल. एग्जाम एंड एग्जाम स्टार्टिंग और एग्जाम एंडिंग 28 अप्रैल. अब इससे पूछा है कि कितने दिन एग्जाम कंटिन्यू रहे. हाउ लॉन्ग डिड द एग्जामिनेशन कंटिन्यू? हाउ लॉन्ग कितने दिन तक आपके एग्जाम चले? आप लगाइए आइडिया. 3 अप्रैल से 28 तक काउंट करिए. कितना टोटल कितना हुआ? आपको ये लगेगा जो डेज आएंगे डेज. हाउ लॉन्ग मीन्स कितने डेज एग्जाम चला. तो एग्जाम कंटिन्यू हुआ ये देखिए एग्जाम कंटिन्यू हुए तो 28 में से 3 माइनस करना 25 टू 26 होगा. 26 डेज एग्जाम कंटिन्यू हुए. अब आपको ये ले लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए. सर माइनस हो गए तो 25 आता है, फिर आपने 26 क्यों लिखा, क्यों राइट किया? ये लॉजिक भी आपको समझ में आना चाहिए. जिस बच्चे को ये समझ आ गया तो ये डेज वाला जो प्रॉब्लम है सारी सोल्व हो जाएंगे. अब मैं इसका आपको प्रूफ दे देता हूँ. ये 26 मैंने कहाँ से लिखा है? देखिए 28 में से 3 माइनस कर दीजिए. 28 में से माइनस 3 होंगे तो 25 होगा और 25 में से दोनों डेट में से एक डेट इंक्लूड होगी क्योंकि तीन जो डेट है 3 अप्रैल की जो डेट है वो भी इसमें काउंट होगी, इसीलिए 26 डेज आएगा. मान लो हमने 28 में से 3 माइनस करा तो 3 उसमें काउंटेबल नहीं होता. आप इसमें आप जनरल तरीके से भी इसकी कैलकुलेशन करोगे लेकिन टाइम बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. इसलिए जो आपका ये टेक्निक्स है मेथोलॉजी है 28 माइनस 3 25 में प्लस 1 कर देना 26 डेज होगा और आप इसको विद प्रूफ सॉल्व कर सकते हो. आप काउंट कर लेना. 3 अप्रैल को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 3 अप्रैल को भी पेपर था. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 7, 28, काउंट कर लीजिए बेटा. 15, 15, ये 15 और 10, 25 और 26. आप यदि काउंट करेंगे ना फिंगर पे, आप काउंट करेंगे अपनी नोटबुक पे तो भी आपके 26 डेज आएंगे लेकिन बेटा उसमें टाइम मोर यूज होगा. आपको टाइम सेव करना है. एग्जामिनेशन में टाइम लिमिटेड होता है और मैथ के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं तो आपको उसमें लॉजिक देखना है. क्या लॉजिक है? मैंने आपको बिल्कुल तरीके से बहुत अच्छी टेक्निक से रिपीट किया है. तो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ 3 अप्रैल को, एंड हुआ आपका 28 अप्रैल को. 28 में माइनस 3 कर देना और एक डेट जो है वो प्लस करनी है आपको. तो 25 प्लस 1 26 डेज. दैट्स सम नंबर 14. कंप्लीट कसम. आई होप सभी को क्लियर होगा, सभी को समझ आएगा. बेटा आप यहाँ कंसंट्रेट करोगे बिल्कुल क्लियर. स्टार्टिंग डे एंड डे और एग्जाम कंटिन्यू डेज 26 डेज. एग्जाम कहाँ से प्रॉब्लम होगी? कहाँ से क्या है? 20 माइनस 3 25 ओवर 26 डेज. बेटा ये बट ये बहुत आपका ध्यान रखना है कहाँ से कैलकुलेट करते हैं.
नेक्स्ट सम नंबर 14 सम 14 कमलाज फादर लेट फॉर कोलकाता इन जनवरी 7, 2011 एंड रिटर्न होम ऑन मार्च 8, 2011 फॉर हाउ मेनी डेज डिड द रिमेन ऑफ होम ये घर से बाहर रहे हैं वो आपको बताना है डेट्स भी कब से कोलकाता उन्होंने कब लेफ्ट किया 14 सम है डेट बताता हूं आपको जो कोलकाता लेफ्ट किया कमला सागर ये घर था देखिए बेटा कब लेफ्ट किया था 7 जनवरी 2011 और कब रिटर्न भी रिटर्न होम ऑन मार्च 8 मार्च 2011 How many days did the remain out of home? Days, number of days. Out of home, number of days. Please. अब आप इनमें जनवरी से मार्च तक का टाइम आपको काउंट करना पहले स्टेटमेंट समझिए कमलाज के फादर थे वे उन्होंने कलकत्ता जो लेफ्ट किया 7 जनवरी 2011 में लेफ्ट किया वो आपके अपने अपने घर वापस होम हुए रिटर्न होम 8 मार्च 2011 7 जनवरी से 8 मार्च तक कितना टाइम हुआ ये आपको कैलकुलेट करना है चलिए जनवरी फरवरी और मार्च सेवन जनवरी से जनवरी का डेट लगाइए बेटा जनवरी से 7 जनवरी से कितने कितना 31 जनवरी तक 31 माइनस 7 माइनस 24 तो 24 प्लस 8 25 ये जनवरी के डेट से बेटा जनवरी में अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ जनवरी में कब आई जनवरी फरवरी और मार्च जनवरी फरवरी और मार्च जनवरी फरवरी और मार्च सेवन जनवरी की बात है पूरी फरवरी की बात है और 8 मार्च की जनवरी में कितने डेज आए 25 डेज आए ओके और जनवरी फरवरी में डे आए 28 और मार्च में आए 28 से 29 ये तो 28 61 days
स्टार्ट की डेट नहीं है, ओके मैंने लेफ्ट कर दिया, गुड 24 हो गया बेटा। देखिए चेक इट वंस अगेन एज 60 डेज। यस देखिए फिर से सुनिए, कमला के फादर ने 7 डेट को 7 जनवरी को अपना घर छोड़ दिया, 7 डेट को अपना घर छोड़ दिया और वे 8 मार्च को अपने घर वापस आए। इसके बिटवीन में जो डेज है वो आपको कैलकुलेट करना। फिर से समझिए, कमला के फादर ने 7 जनवरी 2011 को अपना घर छोड़ दिया और वो अपने घर रिटर्न हुए 8 मार्च 2011 को। नंबर ऑफ डेज आउट ऑफ होम वो आपको बताना है, वे कितने दिन घर से बाहर रहे। तो घर कब छोड़ा था? 7 जनवरी को। तो हमने क्या रूल आपको बता रखा, आपको जनवरी कितने डेट होती है जनवरी में? 31st में से माइनस 7 करा 24। अच्छा अब आप बेटा कोई भी ये पूछ सकता है, सर इसमें तो आपने 1 प्लस नहीं किया। लॉजिक सुनिए विद रीजन सुनिए, वहां पर एग्जाम्स उस डेट को शुरू हुआ था, वो डेट आपको कैलकुलेट करनी थी, बट इसमें 7 जनवरी को उसने अपना घर लेफ्ट कर दिया, 7 वाली डेट इसमें कैलकुलेट नहीं होगी। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस सम। देखिए 31 डेज होते हैं, 31 में से 7 माइनस कर दो 24 डेज आएगा, लेकिन ये आपको 7 डेज में 1 प्लस नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि 7 जनवरी को उसने अपने घर लेफ्ट कर दिया। ओके तो कितने जनवरी में कितने मंथ बचे? 24। फरवरी में कितने, फरवरी कितने की होती है? 28 डेज की। क्या रीजन है? क्योंकि लीप ईयर नहीं है। 8 मार्च में कितने दिन हुए? 8 मार्च में 8 डेज हुए। अब आप ये चेक कर लीजिए, जनवरी में 24 डेज हैं, फरवरी में 28 डेज हैं और मार्च में 8 डेज हैं, टोटल 60 डेज। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की इतनी सुपर होनी चाहिए कि आपको पता लग जाए सब्ट्रैक्ट और एडिशन कैसे होते हैं। जनवरी के मंथ में 31st डे होते हैं, जनवरी के मंथ में 31st जनवरी होती है, और बात कब की कर रहा है वो 7 जनवरी की। तो 31st में से 7 माइनस कर दीजिए 24। फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज। 8 मार्च में कितने दिन आए, यूज किए हमने? सिर्फ 8, ओनली 8 डेज। 24 और 28 प्लस 8, 60 डेज आंसर। ओके होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने एक्सप्लेनेशन बार बार मेनी टाइम्स एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट सम नंबर 15, A boy fell sick on February 12, 2010. He recovered from illness on April 8, 2010. For how many days did he remain sick? देखिए सम सब क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। बच्चा था एक, एक बॉय बीमार हो गया, वो बीमार हुआ 12 फरवरी में, और कब तक बीमार रहा हो, लेकिन वो ठीक कब हुआ, कब हुआ? 8 अप्रैल 2010 में। अब आपको बीच में रखना है उसको कितने दिन ठीक होने में, रिकवर होने में कितना दिन, कितने दिन लगे। सम नंबर 15,
यस सुनिए बेटा, स्टेटमेंट में आपको एक बार बता देता हूं। कोई एक स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट है और वो बेटा किसी उसको फीवर हो गया, एक एक स्टूडेंट को फीवर हो गया, लिखा है अब वाई फेल सिक, बीमार पड़ गया। बीमार कब हुआ? 12 फरवरी 2010। वो 12 फरवरी में बीमार हो गया और वो ठीक कब तक हुआ? रिकवर्ड लिखा है, ठीक हो गया उसको, रिकवर होने में वो ठीक हुआ 8 अप्रैल 2010। तो नंबर ऑफ डेज ही रिकवर, आपको ये दिन बताने हैं कौन से डे, कितने डेज लगे उसे रिकवर होने में। बीमार कब पड़ा था वो? 12 फरवरी और ठीक कब हुआ? 8 अप्रैल। तो फेब और अप्रैल के बीच के डेज निकाल। पहले सुनिए 12 फरवरी, उसके बाद मार्च और 8 अप्रैल। ये मंथ बेटा आपको आपने कितने दिन, फरवरी कितने मंथ की होती है 2010 में? 4 की टेबल पे नहीं जाती, तो फरवरी होती है 28 डेज की। 28 डेज में सिर्फ 12 माइनस करो, देखते हैं प्लस करना कि नहीं करना। मैं बताऊं आपको 16 डेज तो यहां लगे, 16 मार्च में टोटल, मार्च होता है 31st पर और अप्रैल माइनस 8 डेज, ठीक है बेटा? देखते हैं 15, 5, 3, 3 or 1, 4 months. देख सकते हैं बेटा आप, स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर देता हूं। क्लास में एक स्टूडेंट था, स्कूल का एक स्टूडेंट था, क्लास का स्टूडेंट था बेटा, वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ उस दिन डेट थी 12 फरवरी, 12 फरवरी में एक स्टूडेंट बीमार पड़ गया और उसको ठीक जब वो हुआ स्कूल में रिटर्न हुआ तो तब डेट थी 8 अप्रैल 2010। जब वो बीमार हुआ था तब डेट थी 12 फरवरी और जब वो ठीक होके वापस आया तब डेट थी 8 अप्रैल। अब इसके बीच में कितने दिन उसको ठीक होने में लगे, रिकवर होने में लगे, वो आपको डेज फाइंड करने। तो जो 12 फरवरी में वो सिक हुआ था, बीमार हुआ था, तो उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो 16 डेज वो फरवरी में स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। 16 डेज कब? फरवरी के मंथ में उसने क्लास अटेंड नहीं की और पूरी मार्च, कंप्लीट मार्च में 31 डेज होते हैं और 8 अप्रैल में रीबैक हुआ, वो रीबैक हुआ 8 अप्रैल में, तो 16 फरवरी में एब्सेंट रहा है, कंप्लीट मार्च के मंथ में एब्सेंट रहा है और 8 अप्रैल में उसने ज्वाइनिंग की। तो कब कब तक हुआ? 55 डेज वो रिकवर होने में लगे, क्लास अटेंड करने में लगे, ठीक है? अब बेटा किसी को लॉजिक ये समझना हो कि सर आपने 12 डेट को बीमार पड़ गया था, वो कि आपने फिर 12 में से ये 12 क्यों नहीं माइनस किया? बेटा यदि 12 डेट में वो बीमार हुआ था तो 8 अप्रैल उसने ज्वाइनिंग भी तो कर ली, यदि हमने यहाँ ऐड नहीं किया तो 8 डेट को अप्रैल को जो है हमने 8 डेट ऐड कर ली, ठीक है? तो फरवरी में 16 डेज एब्सेंट रहा, मार्च में 31 डेज एब्सेंट रहा और अप्रैल में 8 अप्रैल तक वो एब्सेंट रहा,